मंचासीन हमारे मित्रगण, मंच पे आसीन आ सके मुख्य अतिथि प्रिय दर्शनी और तमाम उपस्थित हमारे मित्रों, मैं दो चीज आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला चीज ये कि ये चार महीना कार्यालय में रही है, लेकिन मैं चार दिन भी ठीक से इनसे बात हमारी नहीं है, इसलिए मुझे इनके बारे में जानकारी कुछ है नहीं ज्यादा। और जो मैं बोलना चाहता था सबसे अंत में था, तो उसके पहले आप लोग बोल दिए थे, लेकिन इनके आव भाव को देख के मुझे दिमाग में कुछ कंसोलिडेट करने का आया है विचार, और आफ्टर कंसोलिडेशन हम ये समझ सके कि ये बड़ी संस्कारी लड़की है और सारे मूल्यों को समावेश करके चलने वाली लड़की है। कभी किसी से कस के नहीं बोल सकती है, अपनी बातों को मनवाने के लिए अनर्गल प्रयास नहीं कर सकती है, ये इसमें विशेषता है, इसकी मेरिट है। तो इस तरह के व्यक्तित्व का सदा स्वागत होता है और इस तरह का व्यक्तित्व सभी लोगों में नहीं पाया जाता है। काम वाम की बात है तो आप लोग बेहतर बता रहे हैं, लेकिन आज मैं जब कार्यालय में प्रवेश कर रहा था तो ये कुछ लिख रही थी, और किसी बंदे ने उससे बोला कि ये तुम्हारा आज का अंतिम लेख होगा, उस पर भी ये कुछ नहीं बोली। मैं कार्यालय में घुसता रहा, देखता रहा, तो वो मोमेंट बड़ा अच्छा लगा मुझे। हालांकि ये बात मुझे बोलना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ा अंदर घुस गया था इसलिए मैं नहीं बोल पाया। हमारे पीछे कौन बंदा बोला मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया बोला जो भी बंदा बोला, और ये शांत रह गई। ये इसकी गहराई का प्रतीक है। तो मैं इसको शुभकामनाएं भी देता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ, और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इसी तरह से काम करते रहे। जैसा कि वर्मा जी ने बताया कि ये इसके सरकारी कार्यालय का पहला कार्यालय है, और अभी किसी सरकारी महकमे के दूसरे कार्यालय में जा रही हैं। ऑफ कोर्स वो महकमा हमारे डिपार्टमेंट के स्वरूप नहीं है, उसके कुछ कार्य की अलग क्रियादेश हैं, लेकिन फिर भी वो डिपार्टमेंट इज बेटर, द डिपार्टमेंट इज बेटर। वहाँ पर आपको पॉसिबिलिटीज़ है, आपके प्रमोशंस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, शायद डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होते होंगे जिसमें आपको प्रमोशंस मिल सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत पुराना है। तो वहाँ पर अगर आप रहेंगी तो निश्चित रूप से आपकी जो समावेशी गुण है उसको आप ज़्यादा निखार पाएंगी। और जहाँ तक बिहार से बाहर जाने की बात है तो ये एक अच्छी बात मानी जाती है कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहे हैं, इसलिए कि वहाँ का भी कल्चर आप सीखेंगे, वहाँ के बारे में आप जानेंगे, यहाँ के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो इसको इस तरह से लेना चाहिए, और वसुधैव कुटुंबकम, हर जहाँ भी जाइएगा आपका स्वागत होगा, बिहार में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, हो सकता है फिर आप बिहार में आ जाएं। इस पर एक बड़ी अच्छी पंक्ति है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। यूं तो हर रास्ता मंजिल का बयां करती है, यूं तो हर रास्ता मंजिल का बयां करती है, क्यों फिर किसी मोड़ पर मंजिल का गुमा होता है।
क्यों फिर किसी मोड़ पर मंजिल का गुमा होता है? आप समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप महाराष्ट्र जा रही हैं तो ये आपके मंजिल नहीं है, वो एक मोड़ है। आप ये मत समझिए कि हमने मंजिल पा लिया। तो हो सकता है कि फिर आपको बिहार आना पड़ जाए, हो सकता है महाराष्ट्र से दूसरे जगह जाना पड़ जाए, तो मंजिल आपकी नहीं है। और आप सतत प्रयासरत रहें, आप अच्छे कार्य करने वाली लड़की हैं, तो आप हमेशा सबके नजरों में एक स्नेह पात्र बनी रहेंगी। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।